जेंडर रूल के अकॉर्डिंग ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज 18 ईयर से कम है उन्हें जुविनाइल माना जाता था और उनके थ्रू किए हुए ऑफेंसेस को जुविनाइल जस्टिस बोर्ड ट्राई करती थी। पर जुविनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के आने के बाद ऑफेंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, पिटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस एंड हीनियस ऑफेंसेस। इस पर ऑलरेडी एक सेशन अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में उसी सेशन में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ उसका पूरा प्रोसीजर डिटेल में दिया हुआ है। तो क्या किसी चाइल्ड को जिसकी एज 18 ईयर से कम है उसे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है? तो इस सेशन में इस सवाल के जवाब के साथ सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट के गाइडलाइंस को भी डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले, अगर कोई चाइल्ड जिसकी एज 16-18 ईयर्स के बीच में है और उसने कोई हीनियस क्राइम किया है, जैसे आपको पहले बताया कि जुविनाइल जस्टिस एक्ट में ऑफेंसेस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर हीनियस ऑफेंस का मतलब है ऐसा कोई ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट मिनिमम 7 ईयर्स अवेलेबल है। तो अगर कोई चाइल्ड हीनियस ऑफेंस करता है जिसकी एज 16-18 ईयर्स के बीच में है तो उसे एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है या फिर नहीं, ये जुविनाइल जस्टिस बोर्ड डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिमिनरी असेसमेंट। तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट एक चाइल्ड की मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी और साथ में सरकमस्टांसेस, जिस सरकमस्टांसेस में ऑफेंस किया गया था उस चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग की कैपेबिलिटी, एबिलिटी पर बेस होता है। पर जुविनाइल जस्टिस बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट या सोशल साइको वर्कर्स या अदर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो इसके लिए सेक्शन 15 के प्रोविजो के अकॉर्डिंग बोर्ड किसी साइकोलॉजिस्ट, सोशल साइको वर्कर या अदर एक्सपर्ट की असिस्टेंस ले सकता है, पर यह प्रोविजो मैंडेटरी नहीं था। तो रीसेंट केस वरुण चंद्र ठाकुर जो कि इसी ईयर का केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोविजो के कंप्लाइंस को मैंडेटरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब प्रीलिमिनरी असेसमेंट पर साइकोलॉजिस्ट या सोशल साइको वर्कर्स या अदर एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस मैंडेटरी है। तो इसी के साथ अगर किसी माइनर को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी इसी मैटर में एक्सप्लेन किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहला, जिस चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट किया जा रहा है उसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, जबकि एक चाइल्ड की पनिशमेंट जुविनाइल जस्टिस बोर्ड सिर्फ 3 ईयर्स तक ही दे सकता है। एंड सेकेंडली, जब एक पर्सन को कन्विक्ट किया जाता है तो उसे लॉ के अकॉर्डिंग कई चीज़ों से डिस्क्वालिफाई भी माना जाता है। तो जब चाइल्ड को कन्विक्ट किया जाता है और उस चाइल्ड के कन्विक्शन को ख़त्म होने के बाद उसके डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया जाता है, पर अगर किसी चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट किया गया है तो ये प्रोटेक्शन उसे अवेलेबल नहीं किया जाएगा और साथ में चाइल्ड के कन्विक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को भी डिस्क्वालिफाई किया जाता है अंडर सेक्शन 24। अगर किसी चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट किया गया है तो उसे इस चीज़ का बेनिफिट भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रीलिमिनरी असेसमेंट के बाद जुविनाइल जस्टिस बोर्ड अगर उस चाइल्ड को एज एन एडल्ट ट्रीट करती है तो उस मैटर को जुविनाइल जस्टिस बोर्ड से चिल्ड्रन कोर्ट में रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मैटर को जुविनाइल जस्टिस बोर्ड अब डिसाइड नहीं कर सकता, उस मैटर को चिल्ड्रन कोर्ट डिसाइड करेगी। और साथ में प्रीलिमिनरी असेसमेंट का जो ऑर्डर है ये एक अपीलेबल ऑर्डर है, तो इसको सेशन कोर्ट में अपील में ले जाया जा सकता है अंडर सेक्शन 101। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रीसेंट जजमेंट समझ आया हो प्रोविजंस के साथ में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।